अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे जात मुजर्रबात लेके आता हूँ। आज हम उन लोगों के लिए एक ख़ास नुस्खा लेके आए हैं जिनको पेट की बीमारी है, यानी उनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मैदे पे वरम आ चुका है, ठीक है, कब्ज़ रहने लगी है, या गैस बनती है, एसिडिटी की शिकायत है, बदहज़मी की शिकायत है, तेज़ाबियत है, खट्टी डकारें या अभारा की शिकायत है, ऐसे लोग ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि उनके काम का ही नुस्खा हो। ये एक ऐसा नुस्खा है इंशाल्लाह जो पेट की तमाम बीमारियों से आपको छुटकारा दिला सकता है। सबसे पहले आपको लेना है पुदीना खुश्क। पुदीना खुश्क जो है आपको 7 माशा लेना है, फिलफिल सिया 7 माशा, फिलफिल दराज 7 माशा, किशनीज 7 माशा, नमक के तमाम 7 माशा, जंजबील 7 माशा, नौशाद दर 7 माशा, फिटकरी बिरिया 7 माशा, गुले सुर्ख 7 माशा, सना मकी 7 माशा, अमचूर इसमें आपको 20 माशा लेना है, और हरड़ 7 माशा, आमला 7 माशा, बालछड़ 7 माशा। ये सारी अदविया आप लें और कूट पीस कर इनका बारीक पाउडर बनाएं, और जब पाउडर तैयार हो जाए तो आप इसको अपने पास रख लें। इसमें से खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पानी के साथ 3 माशा से लेके 5 माशा तक ये सफ़ूर आप लें। इंशाल्लाह पेट की तमाम तर बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर और कामयाब है। इसको इस्तेमाल करके आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।